हेलो एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय देम। डेवन कॉनवे और डेविड मिलर की यूएस आईपीएल में भैया यानी अमेरिका के आईपीएल में आंधी आई और सीएसके को जबरदस्त जीत दिलाई दी। सीएसके की टीम यहां पर भी चैंपियन की तरह ही खेल रही है, चैंपियन की तरह जीत रही है। पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो है चैंपियन। नाम है यहाँ पर उनका टेक्सास सुपर किंग्स यानी माही के महारथी, यहाँ पर टेक्सास सुपर किंग्स के नाम से खेल रहे हैं और एक के बाद एक बाजी जीत रहे हैं। तो यहाँ पर अगर पहले ही मैच की हम बात करें तो यहाँ पर केकेआर की यानी जो केकेआर की फ्रेंचाइज हमारी आईपीएल में होती है वहां पर इनकी फ्रेंचाइज जो केकेआर की है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स, उनको इन्होंने हरा दिया और क्या बुरी तरीके से हरा दिया। अगर हम बात करें इस मुकाबले के पहले तो चेन्नई सुपर किंग यानी टेक्सास सुपर किंग की जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करने को आती है और 181 रन बोर्ड पर लगाती है। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस जो ओपनिंग करने आते हैं लेकिन कुछ खास नहीं कर पाते, पहली बॉल पर आउट हो जाते हैं जरूर, लेकिन डेवन कॉनवे जिन्होंने आईपीएल में भी शानदार प्रदर्शन किया था वो यहाँ पर अर्धशतक जमाते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे बीच में जिस तरह से डेविड मिलर का तूफान आता है उनकी पारियों और नीचे से फिर ड्वेन ब्रावो जो जबरदस्त फिनिशिंग टच देते हैं टीम को और टीम को पहुंचाते हैं 180 के पार 181। जवाब में जब गेंदबाजी करने आती है सीएसके और बल्लेबाजी करने आती है लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स की टीम तो कुछ खास नहीं कर पाती है। उनके अगर ऊपर से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार 4-0 रन, राइट रूसो 4 रन, इस तरह से ही लगातार 4-5 विकेट तो बिल्कुल सिंगल डिजिट में आउट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रसल थोड़ा सा काम दिखाते हैं और 22 रनों की पारी खेलते हैं जस करण मल्होत्रा, वो अच्छे शॉट्स लगाते हैं लेकिन वो भी कुछ लंबी पारी नहीं खेल पाते और टीम मात्र 112 रन पर सिमट जाती है। टेक्सास सुपर किंग्स की ओर से मोहसिन खान मोहम्मद मोहसिन लेते हैं 4 विकेट, पाकिस्तानी गेंदबाज है ये, रश्मि थैरोन को 2 विकेट मिलते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स बड़ी ही आसानी से इस मुकाबले को जीत जाती है और बताती है कि क्यों है वो चैंपियन। सुपर किंग्स यहाँ पर भी चैंपियन बनने आए हैं और पहले मैच में तो वैसे ही दिखा रहे। तो आप बताइए इस लीग में कौन चैंपियन बनने वाला है, केकेआर, चेन्नई सुपर किंग्स, डीसी की टीम है सीटल ऑर्कस नाम से, या फिर मुंबई की न्यूयॉर्क, और या फिर दो टीमें जो और आई हैं जो कि अपने आईपीएल की नहीं है, तो कौन सी टीम जीत सकती है इस चैंपियनशिप को बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। फिलहाल सीएसके की आंधी यहां पर भी आ चुकी है।